વિશ્વેન્દુ પરિષદે પણ સુપ્રીમ કોર્ટના ઐતિહાસિક ચુકાદાનું સ્વાગત કર્યું. વીએચપીના અધ્યક્ષ વિષ્ણુ સદાશિવ કાગજે કહ્યું કે ચુકાદા સમય શાંતિ રાખીને સમગ્ર દેશે પરિપક્વતા બતાવી અને સાથે મળીને ભવ્ય રામ મંદિરનું નિર્માણ કરીશું. મંદિરની ડિઝાઇન શું હશે, કેવી રીતે બનશે તે ટ્રસ્ટ દ્વારા નક્કી કરાશે. અને આ તરફ ઓવીસી પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે તેમના નિવેદનથી કોઈને ફર્ક નથી પડતો. ટ્રસ્ટ ये जो राम जन्मभूमि का हमारा न्यास है उससे मिलकर और तय करेगा कि क्या करना है. क्योंकि क्या है कि ट्रस्ट इसलिए बनाया है कि उन्होंने समन्वय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी देखरेख जो है मंदिर निर्माण की ये ट्रस्ट करेगा. तो उस देखरेख का मतलब क्या है, डिजाइन क्या होगा, कौन बनाएगा, ये सब बातें अभी तय होने की. वो तीन महीने में ट्रस्ट बनेगा. ट्रस्ट क्या करता है उसके ऊपर बाकी का आगे का सवाल है. ये सब ये उनका प्रश्न है. क्योंकि बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनको वैकल्पिक स्थान दिया जाए. इसका मतलब वो विकल्प है. विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन. तो अगर कोई पार्टी कहती है कि मेरे को ऑप्शन नहीं चाहिए तो ये उनकी बात है. और ओएसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में का संबंध उससे नहीं है. तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिलेगी ऐसा कहा है. जिस दिन सुन्नी वक्फ बोर्ड कहेगा कि हमें नहीं चाहिए उस दिन अलग